हेलो फैमिली, तो मैं घर में आ गया हूँ और रात के बजने वाले हैं 9:30। तो सोनाक्षी ने मुझे फोन किया था कि पापा मेरे लिए पिज्जा लाओ। हम कहे नहीं लाएंगे पिज्जा, घर का खाना खाओ। फिर जानते हो क्या बोलते, कहते कि पापा आपके 20,000 हो गए हैं तो पिज्जा लाके खिला दो मम्मी को, हमको भी, ऋषभ को, सबको खिला दो। तो यहाँ देखो ये लोग बैठे हुए हैं। क्या लाए? कुछ तो लाए नहीं। पिज्जा क्यों नहीं लाए पहले बताओ, पहले तो हम बोले कि घर का खाना खाना। तो फिर क्या बोलती है, बोलती है पापा आपके 20,000 के हो गए, आपने पार्टी नहीं की। 14 नवंबर को ना वो चिल्ड्रन डे उस दिन लेना। ठीक है, अब जानती हो मेरा बर्थडे आने वाला है। हाँ। अगर उस दिन मेरा हो जाएगा ना 25,000, तो उस दिन डबल केक काटेंगे और उस दिन धूमधाम से पार्टी होगी। और क्या बोल रहे हैं कि विनय को बुलाएंगे, कोमल को बुलाएंगे। अच्छा। हाँ बेटा, पाँच नहीं आएंगे। कौन नहीं आएगा? मेरे मामा। कहाँ नहीं आएंगे? आज नहीं आएंगे। आज है? अच्छा, कह रहा आज नहीं आएंगे। तो अपने बर्थडे पे विनय को बुलाएंगे, कोमल को बुलाएंगे और धूमधाम से पार्टी करेंगे। अभी क्या सोच रहे हो? अभी तो हम बच्चों के लिए क्या बोलते, ये पिज्जा बोले थे तो हम पिज्जा नहीं ला पाए और उसके दुकान में पिज्जा खत्म हो चुका था। तो हम बच्चों के लिए लाए हैं मोमोस। वेज वाला मोमोस है, ये सोयाबीन का बना हुआ मोमोस है। आइए मैडम जी, प्लेट ले आओ, सबको निकाल दो। अमित को भी दे दो। पहले से ही ला के रखी थी, कितना लोगों का ख्याल कर। और यहाँ देखिए, ये ऋषभ के लिए मैं चॉकलेट लाया हूँ, डिजाइन वाला। दो रखो, नहीं खाएंगे। सोनाक्षी के लिए भी लाया हूँ, वो सब तो खाएंगे नहीं। चाचा से तो ना खाएंगे, उन्होंने अपने आदमी मना करी ना कि मत खाएंगे। अरे दे दो ना, ऐसी बात नहीं है, मना करेंगे। वो चिकन का है, चिकन का नहीं, सोयाबीन का। चिकन का नहीं, सोयाबीन का है। वो बता के देता है कि भैया सोयाबीन का है। आप किसी दुकान पे जाओगे तो वो बता देगा भैया सोयाबीन वाला, बोल देगा चिकन का है। लेकिन नहीं, वो दुकान वाला अच्छा है, वो बता देता कि सोयाबीन का है, ये पनीर का है और ये चिकन का है। तो हमने बोला भैया सोयाबीन का देना। अब वंदना जी को काफी पसंद है। क्या दे दो एक तो फैमिली, आपको मोमोस दिखा देता हूँ। मोमोस की क्वालिटी आप लोग देख लीजिए, काफी अच्छा है, बेस्ट है। थैंक यू नहीं बोले पापा को? क्या किसको बोलो? हमको बोल रहे हो, वीडियो में बोल रहे हो, हमको देख के बोलो। थैंक यू, बोल नहीं पा रहा। थैंक यू, खुद ही सब बोल। चिकन नहीं है, चिकन नहीं है यार। यहाँ वंदना जी कुछ बोलने वाली थी तो मैं बोला रुक जाओ, पहले मैं वीडियो बनाता हूँ आपका, तब बोलिएगा। मैं आज मार्केट गई थी सब्जी लेने, तो इधर लाइट नहीं आ रहा, पहले लाइट लगा देते हैं, अंधेरा आ रहा है। तो ऋषभ यहाँ खत्म कर दिया, पापा जल्दी से खत्म हो गया। खाओगे जल्दी से तो खत्म नहीं होगा। तो वंदना जी सब्जी लेके आई है और मुझे फोन करके बोल रही सब्जी में आग लग गया। मैं बोला कौन सा सब्जी बना रही थी कि आग लग गया? कैसे बना रही थी कि सब्जी में आग लग गया? हम गए क्या बना रही थी, कैसा बना रही थी सब्जी? मांग लगे, मार्केट गए थे सब्जी लेने, एक तो सारी सब्जी खत्म हो गई थी। हाँ जी। दुकान वाला बोला कि मैडम अगर आपको हर किस्म की सब्जी खाना है 4 बजे से 5:30 बजे के बीच में आया करो, सब्जियाँ मिल जाएगी। 5:30 बजे के बाद ठंड में आओगी, सारी सब्जी छट जाती है, थोड़ा बहुत रहता है। छट नहीं जाता यार, इस समय सब्जी इतना महंगा है, लोग ज्यादा लेते भी नहीं, थोड़ा ही खरीद खरीद लेते। हरी सब्जी की हम बात कर रहे हैं, हरी सब्जी ना। तो थी रही थोड़ा पास जिनके पास था, जैसे मैंने मेथी बहुत दुकानों पे देखा नहीं मिला, बहुत दुकानों पे गई सब्जी, हर जगह जांच रही थी। हमके चलो सुनाची एक दो, एक जगह थोड़ू ना, एक कोई 50 बोली 50,000 दुकान भी नहीं टिकेंगे, चलो कहीं 10-5-2 रुपए सस्ते होंगे। बहुत सारी दुकान में घूमा तो कहीं 40 रुपया किलो प्याज, कहीं 50 रुपया, कहीं 60 रुपया किलो। तो मैंने 40 वाला ढूंढा। तो कौन सा लाई हो 40 वाला, हम भी देखें। तो सुनो ना। हाँ यार, अच्छा तो लाई हो 40। 40 रुपए किलो, देखो ये प्याज लेकर आए हैं। आओ ले लेती फिर। अरे यार 500 रुपए ले गए थे खत्म। अब पैसा कहाँ पाई तुम? अमित दिए थे पापा। और उस दिन जो पैसे निकाले थे क्या की कुल? खत्म। पापा दे दो दीदी को, वहाँ सब्जी खरीदे खरीदे हमारे बहुत चक्कर आए। बाद में खाना, अभी मत खाओ, अभी खाए हो ना। सुनो वहाँ सब्जी खरीदे मुझे चक्कर खाए, सब्जी का दाम सुन के कि हम के 500 रुपए लेकर आए, क्या सब्जी है? 1 किलो प्याज खरीदे, 1 किलो और यही लेके आए, बता रहे 300-400 रुपए का सब्जी लेके आए। और क्या, ये तो आलूया 30 रुपए किलो आलू, और 1 किलो मेथी लिए। और फैमिली पता है, जब मैं गांव में रहता था ना, मैं 100 रुपए लेके जाता था और एक हफ्ते का सब्जी लेके आता था। उस समय आलू 5 रुपए किलो मिलता था,
और प्याज कम से कम 7-8 रुपए किलो मिलता था। बथुआ लेकर आए 80 रुपए किलो बथुआ। बथुआ खाओ हम कहे नहीं मेथी मिला तो बथुआ ले लेते, बथुआ भी अच्छा रहता है खाने में। खाओ बथुआ बबुआ बन जाओ। खाएंगे हम भाई, अदरक लाए लहसुन ला 80 रुपए किलो टमाटर। अब खराब मत करना सब्जी, इतना महंगा सब्जी है तुम लोग फेंकने के चक्कर में रहती हो। ये मूली कैसे लाई हो? मूली लाए 15 रुपए किलो। हमके मूली का है लो। मूली देखो पत्ती का रखे, लेकिन ताजा मूली नहीं है, देख रहे हो सूखा हुआ है। इसका सब्जी बनाएंगे और बथुआ का सब्जी बनाएंगे, और आप लोग के लिए पनीर लाए, पनीर की भुजिया बनाएंगे। कब? अभी आ जाएंगे सबके। पनीरवा भुजिया बनाओ तो के लिए बिना। अच्छा पनीरवा भुजिया बनाओ, वो कब बनाओ? वो लाची बथुआ तो काट कर सवेरे बनाओ। तो यही सब्जी में आग लग गई, हमारे तो बड़ा जिंदगी हटता है। प्याज आलू यही सब लाए हाँ आज। नहीं नहीं गाइस देख, हम इंस्टाग्राम पे लाइव आ रहे हैं, हमारे ना बहुत तेज बुखार चढ़ा रहा, तब ठंडी जगह बुखार आ रहा था इसलिए हम नहीं नहाए। हम कहे कि नहा लेंगे तबीयत खराब हो जाएगा, क्योंकि पहले सोनाक्षी को बुखार पी रही सबको, पहले हमारे पति देव को हुआ था एक दिन, याद करो जी। क्या एक हफ्ते पहले रात को बड़े ठंडी लग रहा है, बुखार हो रहा है, तो पति देव को हुआ, फिर सोनाक्षी हुआ, फिर सबको हम नहीं खाएंगे। फिर आज मुझे दोपहर में बहुत तेज जैसे ना कांप रहे थे, फिर हम नहीं नहाए। तो क्या जब बुखार में तो जरूरी है क्या नहाना? भगवान थोड़ा ना कहे कि डेली नहाओ। कंठी नहीं ली हो, हाथ मुझ लो। और कौन सा पूजा करना है? अभी तो घर भी पूजा नहीं कर सकते, सॉरी पड़ा है ना। जरूरी है क्या? मन में भगवान को रखो, सब कुछ है। यही सब्जी लाए 400 को सब्जी, हमारी तो जिंदगी बर्बाद हुई है। अब पापा खाना खा रहे हैं और इधर मम्मी क्या करते हैं, सब्जी काट रही है। के लिए सब्जी काट रहे हैं, पता है ये तो बथुआ है ना, बहुत मिट्टी मिट्टी है ना, दिमाग खराब हो रहा है सब्जी काटने में। ये बथुआ काट के रख लेते हैं ना, सुबह छुट्टी रहेगा, क्योंकि ना ये सब सब्जी काटने में टाइम लगता है। बथुआ क्या होता है? इसको खाने से आंख की रोशनी बढ़ती बहुत तेज। क्या जाने मन क्या कर रही हो वंदना जी? घास फूस की सब्जी बनाने की तैयारी कर रहे सुबह के लिए। ये देखिए यहाँ पे पूरा घास फैला रखा है इन्होंने, ये गाय गोरू वाला। हाँ ये मूली के पत्ते, मूली की लाए सब्जी, सब्जी खरीद लाए हैं हरी, इसका बनाएंगे सब्जी, मूली पत्ते की सब्जी और बथुआ की सब्जी। ये वीडियो मतलब रात को बन रहा है लेकिन सुबह आएगा। तो रात को क्यों इसको काट रही? सुबह भी तो काट सकती हो यार, सुबह पता है टाइम नहीं मिलता है, और रात को बैठे हैं कुछ काम तो नहीं है, और इसमें टाइम लगता है। मत सोचो कि गोभी है आलू है बस काट के छोंक दिए है। इसमें देखो पहले इधर देखो, इधर इधर ये है, क्या है? ये कूड़ा निकला है, बथुआ का कूड़ा। यही 80 रुपए का खरीद के लाई? यही मतलब 40 रुपए का सब्जी निकला, 40 रुपए कूड़ा निकला इसमें। बाप रे, इसको बहुत टाइम लगता है, लेकिन ये है कि शरीर के लिए बहुत फायदा करता है ये सब्जी खाने में। इससे क्या पतली हो जाओगी? पतली नहीं, इससे आँख की रोशनी होगी, बीमारी नहीं होती है, खून की बढ़ाव होता है, और शरीर हमेशा स्वस्थ रहता है। पूरी ठंडी भर हम मेथी की सब्जी खाते हैं, मूली की सब्जी खाते हैं, बथुआ की सब्जी खाते हैं, सरसों की सब्जी खाते हैं। एक आप महात्मा जो मैं आपसे 100 बार पैर जोड़ूं, आपके लिए मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ। अब फैमिली पता है सिर्फ हरी पत्तेदार सब्जी जो है ना, बस मैं पालक पनीर खाता हूँ और कोई हरे पत्ती सब्जी नहीं खाता। नहीं खाता ना जी, इसीलिए तो हमको रोना। केवल पालक पनीर खाता हूँ और पालक का निमोना खाता हूँ बस, और कुछ नहीं खाता। पत्तेदार खाते हैं ना, करेला खाते हैं ना, भिंडी खाता हूँ जी, थोड़ा बहुत भिंडी खाता हूँ दाल चावल के साथ। इसीलिए हम इनको बनाकर देते नहीं है जल्दी, जिस दिन लगेगा कि हाँ ये सब्जी बना है तो कभी कभी दे देते हैं, लंच बॉक्स नहीं है क्या? जो ये रोज समझ में नहीं आता है, समझ में क्या आएगा? ये कोई सब्जी है खाने के लिए? छी क्या खाओगे समझ में आएगा सब्जी क्या है? मेरे लिए तो यही जानती हो, आलू जो है ना मेरे लिए यही राजा है। राजा क्या वो है? पनीर है मेरे लिए ये। रोज आलू भी नहीं अच्छा लगता खाने में, मुझे तो आलू सब्जी बिल्कुल पसंद नहीं। मुझे आप लोग देखते होंगे किट्टो वाले कभी कभी आलू बना देती है, मैं तो कभी नहीं बनाती। मैं अब तो मुझे आलू मटर का सब्जी मिल जाए बहुत चाव से खाऊंगी। मैं तो बनाती भी नहीं हूँ, खाती हूँ, और मुझे सब पसंद है, लेकिन आलू मुझे नहीं पसंद है। मुझे सब्जियों में सब पसंद है, लेकिन ये पत्तेदार सब्जी बस कम ही पसंद है मुझे। घास हाँ, और क्या? मैं क्या बोलता हूँ, मेरे जीजा भी यही बोलते हैं, कहते ये पत्तेदार सब्जी घास फूस है, ये लोग कौन जीजा गाय गोरू खाते हैं। प्राची के पापा साग जो होता है ना, साग पता नहीं कैसे बनता है, उसमें तो
10-12 किस्म का साग। हाँ, सरसों का साग। अरे वो तो होता है ना, सरसों का साग, मक्के की रोटी, जैसे कि सब मतलब 10-12 किस्म की पत्तेदार की सब्जी बनता है, बहुत टेस्टी बनता है और अच्छा लगता है। मैं पहले जहाँ रहती थी 3 नंबर में ना, वहाँ आंटी रहती थी एक नीचे, वो बनाती थी और पता नहीं कैसे आटा वाटा भूज के बनाती है। हम भी सीखेंगे एक दिन साग बनाना और बनाएंगे। अरे आपको पता है, जब पहले मैं 3 नंबर में रहती थी ना, वहाँ पर आंटी जी एक नीचे रहती थी ना, वो जब साग बनाती थी एक कटोरा देती थी और लोग साग बनाकर 2-2, 3-3 दिन खा देते थे जी, बहुत टेस्टी लगता था खाने में। थोड़ी होता है, और ठंडी में सब्जी भी नहीं खराब होती। फैमिली दिल्ली में 100% के घर पे देखोगे ना, शाम को साग बन जाता है 2-3 दिन, केवल रोटी गरम गरम देसी घी लगाकर खाएंगे। मैंने देखा है। और एक हम लोग हैं, हम लोग क्या आप लोग भी कुछ इसमें होंगे, हम लोग जो सुबह टाइम खाना बनाते हैं, शाम को बनाते हैं गर्मा गर्म खाना, सबके घर में बनता है। लेकिन जानते हैं सर्दियों की हम बात कर रहे हैं, लोग एक टाइम बना लेते हैं साग वगैरह, बस रोटी गरम गरम बना के खाते हैं। सर्दियों में खाना खराब नहीं होता ना, और जानती हूँ बासी रोटी खाने से और शरीर में मजबूती आती है, पता है तुम्हें? मैं तो कभी कभी बनता है, बासी रोटी बच जाता है, बचता है तो पति देव से छिपा के रखना पड़ता है, इतना बजे भी नहीं बचता है कि फेंकने में, थोड़ा बहुत ऐसे बच जाता है, चावल वगैरह हो गया। फिर तो मैं बोलता हूँ कुत्तों को खिला दो, क्यों डस्टबिन में डालती है? नहीं खाता कुत्ता भी, अंगरा दर्जे बांटते हैं आजकल। कुत्तों को भी चिकन और मटन चाहिए। वही इंसान हो गया। सही बात, कुत्तों को मैं एक दिन रोटी खिला रहा था, वो खाया ही नहीं, चला गया। आजकल इंसान की तरह खाए सीखे गए। बताओ हम कैसे लगा भाई, 3 दिन से एक कपड़ा दिखा। और हमारी फैमिली कहती है वंदना जी आपके चैनल में आ जाती है तो चांद चांद लगा देती है। अगर ये कहीं गांव चली जाएगी तो मेरा वीडियो कैसे बनेगा, मैं यही सोचता हूँ। कभी ये बताइए आपको छोड़ कर गए हैं गांव? काहे नहीं गई हो? एक बार छोड़ के गई थी तो मेरा बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गया। जब मैं जब जाती बीमारी पड़ जाते हैं ये, तभी से नहीं जाती है छोड़ के। मैं नहीं जाती, मेरी जब से शादी मैं इनको छोड़ के नहीं रहती हूँ। और एक दो बार छोड़ के गई तो मेरा बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गया, तो सब खाना खा लिया है, मेरा प्लेट लेके आया है। और कुछ कहना चाहती हो वंदना जी? बस कुछ यही कह रहे हैं, अब इसको सफाई करेंगे अच्छे, सब्जी का काट धुल रहे हैं, उसके बाद किचन साफ करेंगे, बर्तन धुलेंगे, खाना लोग खा लिए, पति देर हम लोग खाएंगे नहीं क्योंकि हम लोग 7 बजे के अंदर खाना खा लेते हैं। सुबह खाना मैं बढ़ा कर बना लेती हूँ, जैसे भिंडी की सब्जी दाल रोटी बनाता तो वही हम लोग सुबह दोपहर में भी खाए, शाम को 7 बजे पहले भी खाए। और मैं थोड़ा डाइटिंग पे हूँ, पतली होना है, मुझे बहुत कमेंट आता है, लोग मुझे मोटे मोटे बोलते हैं, अब क्या करें, मैं तो जान मोटे को मोटे नहीं बोलेंगे तो क्या पतला बोलेंगे? पर मैं जानबूझ के मोटी नहीं हूँ, भगवान अगर मेरा शरीर ऐसा दिए तो मैं क्या कर सकती हूँ गाइस बताइए। नहीं यार, इसमें नाराज होने वाली कोई बात नहीं है, अगर आप मोटी हो तो आपको लोग मोटे बोलते हैं, इसमें नाराज होने वाली कोई बात नहीं है। नहीं हूं, लेकिन मैं इससे क्या होता है कि अपने आप को कंपेयर करो कि आप ठीक ठाक हो जाओ, थोड़ा दुबली पतली हो जाओ, इसीलिए अब इसी को सुबह बनाएंगे ना, सुबह तो ये ब्लॉग आएगा ही, शाम तक हो जाएगा, सुबह सुबह वो बोल रहे हैं एक दिन पहले मैं इसको हम बनाएंगे, 2 टाइम खाएंगे और पति देव के आलू बनाएंगे, आज तो पनीर का भुजिया बना दिए, आलू बना देंगे। ब्लॉग में जुड़े रहिए, मॉर्निंग में मिलते हैं कमरिया। इनका तो कमरिया पता नहीं क्या कमरिया इनको चपक गया है, रिसा भी इधर से डांस कर रहा है। तो फैमिली यहाँ देखिए वंदना जी मेरे लिए कुछ लाई है बना के स्पेशल चीज। अरे क्या है फैमिली, कुछ सेवई है देख लीजिए। सेवई नहीं है जी, ये सुतफेनी है, सेवई अलग होता है, दूध में जो डिबो दो। अब वंदना जी अपने हाथ से प्यार से खिला रही है, देखिए बच्चों को प्यार से नहीं खिला देता, इनको प्यार से खिला देता हूँ आपको, ताकि हमारा प्यार बना रहे। पता है मुझे दूसरों खास खाना पसंद नहीं है, मेरे मन नहीं भरता है। मम्मी खिलाई तो सोनाची बोलती पापा हम भी खिला दे, हम क्या खिला दो बेटा, हम पूरा खिला देते हैं, पूरा मत खिलाओ थोड़ा खिलाओ, हम ये तो बच्चों की तरह खिला। अब रिजर्व करा हम भी खिलाएंगे, तुम तो मुझे लगता है मेरे यहाँ पूरा मुंह में लगा दोगे। चलो फैमिली खाने के बाद मिलते हैं, बाय बाय। नेक्स्ट डे तो फैमिली मैं अपने वीडियो के यही समाप्त करता हूँ, हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, और हमारा पूरा वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबने हमारा पूरा वीडियो देखा। तो मैं मिलता हूँ नए ब्लॉग के साथ, नए वीडियो के साथ, करता हूँ बाय बाय। बाय बाय फैमिली, नए वीडियो के साथ मिलता हूँ मैं।